दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी कोने से हो और आपकी इच्छा है 10th के बाद एक अच्छी कॉलेज में पढ़ूं या फिर 12th के बाद या फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी कॉलेज में पढ़ूं जहां से बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती हो, साथ ही साथ वो पूरे भारत में फेमस हो, तो हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने यूनिवर्सिटी BHU के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब दोस्तों, इस विश्वविद्यालय को लेकर आपके मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, जैसे इसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, BHU एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, किस किस क्लास में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, इसका फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद में मुझे कैसे कैसे जाना पड़ेगा, कितना फ़ी लगता है। तो ये दोस्तों, आज मैं आपका रोशन इस चैनल एजुकेशनल पॉइंट पर पूरी जानकारी हिंदी में स्पष्ट रूप से दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं BHU है क्या। दोस्तों, BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसे पुकारा जाता है। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में मिल जाएगी और यह यूनिवर्सिटी पूरे भारत में विख्यात है अपनी पढ़ाई, अपने कैंपस सिलेक्शन और बच्चों को दी जाने वाली अच्छी खासी सुविधाओं के लिए। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन, BHU एडमिशन कैसे होती है। तो दोस्तों, हर साल BHU में एडमिशन के लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें प्रवेश के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद में आपको उस कॉलेज के द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। उस कॉलेज में जाने के बाद सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होगी और उस काउंसलिंग में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उस सभी की जाँच की जाएगी और उसके बाद आपकी एडमिशन दोस्तों उस फैकल्टी के अनुसार में आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल उठती है, किस किस क्लास में होता है एडमिशन। दोस्तों, आप BHU में 6th क्लास से लेकर PhD डिग्री तक यहाँ से पा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप कैसे कैसे कौन कौन से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एडमिशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बीच में पढ़ना, तो सबसे पहले आपको एक BHU का CHS एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके तहत एडमिशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं 12th के बाद इसमें UG डिग्री अर्थात अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए, तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आइए दोस्तों कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं UG के बाद एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें सबसे नंबर वन कंडीशन है कि जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के हो उनको 12th क्लास में कोई भी उनके पास कोई किसी भी संकाय से हो उनको 12th में 50% कम से कम मिनिमम मार्क्स चाहिए इन ऑल सब्जेक्ट अर्थात पूरी सब्जेक्ट लाकर फिक्स चाहिए। अगर आप SC ST आते हो तो कम से कम आपको 12th में पास होना पड़ेगा और इसमें कोई भी दोस्तों मार्क्स एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप हैंडीकैप्ड हो या फिर आप OBC से अंदर में हैंडीकैप्ड आते हो तो आपको 5% आपको हर चीज़ में छूट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें एज को लेकर काफ़ी बड़ी कंडीशन है कि कम से कम आपको, अगर आप UG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 22 साल से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, अर्थात जिस साल अप्लाई किए उस साल आपकी 22 साल से ज़्यादा नहीं होने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी कंडीशन है। अगर आप चाहते हो दोस्तों यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात PG करने के लिए, दोस्तों PG करने के सबसे पहले आपको कोई किसी भी ऑनर्स में 50% मार्क्स चाहिए जनरल को, SC ST को बस उसमें पास होने जरूरी है और हैंडीकैप को उसमें 5% हर सेमेस्टर छूट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस PG के लिए इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया को नहीं रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आती है, इसका फॉर्म कब कब आता है। अगर आप दोस्तों चाहते हो 6th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास या 12th क्लास के इसमें अप्लाई करने के लिए, तो इसकी हर साल फरवरी में आती है, अर्थात इस साल आपको 2020 में फरवरी में इसकी फॉर्म निकलेगी लास्ट ईयर में। अगर आप दोस्तों चाहते हो UG के लिए अप्लाई करना या फिर PG के लिए, तो आपको हर साल की तरह इसकी फॉर्म 29 जनवरी 2020 को UG के लिए और PG के लिए भी आएगी। इसकी एग्जाम की एडमिट कार्ड कब आती है। दोस्तों, इसकी एग्जाम की एडमिट कार्ड आपके एग्जाम जिस समय एग्जाम को होने वाली है उसके एक वीक पहले आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी। यहाँ पर दूसरी सवाल है, इसका एग्जाम कब कब होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम हर साल अप्रैल से लेकर मई में PG और UG दोनों का हो जाता है और इसका रिजल्ट दोस्तों आपके आने वाले एक महीने के अंदर में कभी भी आपकी वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, कभी भी ये जून जुलाई तक ले लेती है और एडमिशन दोस्तों जुलाई से पहले ही ये एडमिशन दोस्तों ये ले लेती है। अब दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं इसके टॉप कॉलेज के बारे में, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। तो
तो दोस्तों BHU के तहत में यहाँ पर 5 कॉलेज काफ़ी टॉप कॉलेज भी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस कॉलेज में दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। इसमें नंबर 1 निकल के आती है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग FMSBHU के नाम से ही पुकारते हैं। ये बनारस में ही है और इसे रेटिंग के अनुसार 10 में से 8 रेटिंग दी गई है और यह आपको नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर में नंबर 1 कॉलेज है। उसी तरह नंबर 2 में आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, अर्थात इसका अपना कैंपस, ये नंबर 2 पर आती है। नेक्स्ट दोस्तों निकल के आती है फैकल्टी ऑफ लॉ, अर्थात बनारस में ही है और मास्टर ऑफ लॉ LLM यहाँ से कर सकते हैं। ये नंबर 3 पर निकल के आती है, ठीक है, यहाँ से वाली लॉ की पढ़ाई होती है। और दोस्तों और नेक्स्ट है यहाँ पर DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनारस, ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, आप यहाँ से भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। उसके तहत आपको नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस, यहाँ से भी दोस्तों यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर निकल के आती है दोस्तों कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको कोई इसका एंट्रेंस एग्जाम का आप जिस कोर्स में चाहते हो एडमिशन, जैसे कि आप चाहते हो BA करना, BSc करना, BCom करना, MA, MC, MCom, वोकेशनल कोर्स जो भी चाहते हो करना, उसके लिए आपको एक इसका बुक एंट्रेंस एग्जाम का अलग अलग सेक्शन का अलग अलग निकलती है। तो आप वो वाली बुक खरीद कर, चाहे तो आप ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद कर या फिर चाहे तो ऑफलाइन भी खरीद कर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ये बुक आपको काफ़ी सस्ता रेट में मिल जाएगी और इस अप्लाई करने के लिए आपके पास समय अब काफ़ी कम बच चुकी है, क्योंकि आप पता है 2019 का नवंबर चल रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो अगले साल अप्रैल मई में हो जाएगी। तो आप अभी से ही बुक खरीद कर पूरी जोर शोर से पढ़ाई पर लग जाइए। और अगर दोस्तों चाहते हैं आप इसके फी स्ट्रक्चर जानना, अर्थात कितना कितना फ़ी लगता है, तो मैं इस वीडियो में इसको कैरी नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम होगी वो आपको 2 घंटे की एग्ज़ाम ली जाएगी और इसके तहत आपको कुल मिलाकर 450 अर्थात 450 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपका 150 अर्थात 150 होगा, और इसमें एक क्वेश्चन आपकी 3 नंबर की होगी, और इसमें निगेटिव मार्किंग करने की भी सुविधा है। अगर आप 3 गलत करते हो तो उस पर आपको 1 नंबर, हर गलती के लिए आपसे 1 नंबर काट ली जाएगी और एक क्वेश्चन 3 नंबर की होगी। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कटअप के बारे में, तो कटअप दोस्तों थोड़ा जान जाइए इसका बारे में। 2019 में कटअप कुछ इसका इस प्रकार थी कि जो भी जनरल वाले थे, जनरल का कट ऑफ 70 गया था, OBC वाले थे 147 गया था, मतलब एक 150 के बीच में, और SC गया था 113 के बीच में, ST गया था 80, मतलब कि 450 में 80 मार्क्स, PH हैंडीक्राफ्ट का गया था OH में 0 मार्क्स, और PHVI अर्थात दोस्तों ऐसा जो हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है उसको 14 मार्क्स यहाँ पर दिया में ही कट ऑफ उनका हो गया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी हर यहां पर छोटी बड़ी बात आपको BHU के बारे में पता चल गई होगी। अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना, इंटरेस्टेड, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए 2020 में, आप काफ़ी ये अच्छी कॉलेज है पूरे भारत में मिलाकर। तो दोस्तों मैं रोशन लेता हूं विदा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ साथ इसको वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा BHU के हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। गुड बाय, मिलता है इस वीडियो में, तब तक।